मुद मंगलमय संसमाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक विश्व प्रसिद्ध पद और सुधार पर आपके समक्ष कुछ निवेदन। संतों सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिनते, सुरति न अंत चली। जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सो तो करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। आँख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर मनवा रहता, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कभो न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहजिया रहनी, सो प्रगट करी गाई। सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। संतों सहज समाधि भली। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐ संतों, सहज समाधि अच्छी होती है। सहज का अर्थ है स्वाभाविक, प्राकृतिक, जिसमें कोई आरोपण, कोई पकड़, कोई बनावट ना हो, वह सहज है। जैसे हम यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, कौन बैठे हैं? मनुष्य। किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि यहाँ मनुष्य बैठे हैं। कोई भी आएगा तो देखेंगे, कहेगा भाई यहाँ तो सैकड़ों मनुष्य बैठे हुए हैं। लेकिन जब हम अपने को किसी से जोड़ लिए और कुछ मान लिए, तब सहज नहीं रह जाता है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं चमार हूँ, मैं तेली हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं चपरासी हूँ, मैं क्लर्क हूँ, सहजता खत्म। ये व्यवहार के लिए है। कोई व्यक्ति यहाँ आ जाए अपरिचित, क्या वो बता पाएगा कि इसमें कितने मास्टर बैठे हैं, कितने डॉक्टर बैठे हैं, कितने इंजीनियर बैठे हैं, कितने वकील बैठे हैं? कोई बता पाएगा कि इसमें कितने साहू बैठे हैं, कितने यादव, कितने वर्मा, कितने चंद्राकर, कितने बघेल और कितने यादव और कितने मुराह बैठे हैं? कोई और बता पाएगा कि इसमें कितने कट्टरपंथी बैठे हैं, कितने राधा स्वामी वाले बैठे हैं, कितने निरंकारी बैठे हैं, कितने हनुमान पूजने वाले, कितने राम पूजने वाले? बता पाएगा कितने बैठे? छोड़ देंगे, ये तो छोड़ दो, अपरिचित व्यक्ति आ जाएगा ना, कितने की बात ही दूर। क्या बता पाएगा? हाँ, ये आदमी राम मानने वाला है, ये हनुमान पूजा करने वाला है, ये कट्टरपंथी, बता पाएगा क्या? अमुक अमुक इसमें डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, क्या बता पाएगा? कुछ नहीं बता पाएगा। लेकिन बता पाएगा कि यहाँ जितने बैठे हैं सब मनुष्य बैठे हैं। हम पैदा होते हैं तो आदमी बनकर के, कोई मास्टर बनकर पैदा हुआ है? कोई क्लर्क बनकर पैदा हुआ है? कोई डॉक्टर इंजीनियर बनकर पैदा हुआ है? कुछ नहीं, सब मनुष्य बनकर पैदा है। मनुष्यता सहज है और मनुष्यता में कोई विभाजन नहीं है, कोई फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पर है?
जो हम जोड़ लेते हैं अपने को किसी चीज से, मैं बड़ी जाति का अमुक छोटी जाति का, मैं बड़ा अफसर वो छोटा अफसर, वो चपरासी वो कलर, जहाँ जोड़े और माने वहाँ भेदभाव शुरू हुआ, वहाँ छोटे बड़े की भावना शुरू हुई और मनुष्यता गायब होने लगी। आप मास्टर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, चपरासी हैं, साहू हैं, यादव हैं, वर्मा हैं, ये हैं, ये केवल व्यवहार के लिए है। इनसे आप व्यवहारिक काम करें लेकिन अपने को केवल मनुष्य माने, मनुष्यता का अहंकार नहीं होता है, जो स्वाभाविक है उसका अहंकार नहीं होता, जो अस्वाभाविक है, जो आरोपण, जो पकड़ है, अहंकार उसी का होता है। और वही भेदभाव, ऊंच नीच की भावना, छूत अछूत की भावना पैदा होती है। पहली बात तो यह, किसी भी आदमी को जन्म से छोटा मत मानो और जन्म से बड़ा मत मानो। जन्म से कोई आदमी छोटा और बड़ा नहीं होता है, जन्म से आदमी केवल आदमी होता है। अपने को आदमी मानो और दूसरों के साथ आदमियत का व्यवहार करो। मनुर्भव जनया दव्यम जन्म, ये ऋग्वेद का एक मंत्र का अंश है। ऋषि कहते हैं मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। ऐसे दोपहर का समय था, सूरज का खुला प्रकाश एक शहर के चौराहे पर एक महात्मा हाथ में जलती हुई लालटेन लेकर कुछ खोज रहा था। लोगों को आश्चर्य हुआ, दोपहर का समय, सूरज का खुला प्रकाश और उसमें ये बाबा जलती हुई लालटेन लेकर के कुछ खोज रहा है। वो तो वह लोगों के अंदर में एक आश्चर्य पैदा करने के लिए वो लालटेन लिया था। लोगों ने पूछा, बाबा इस शहर के इतने बड़े चौराहे पर क्या खोज रहे हो? कहा, बेटा आदमी खोज रहा हूँ। कहा, आदमी खोज रहे? हाँ। कहा, देखो इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये आदमी नहीं है। बेटा आदमी किसी से पूछो, कोई कहेगा मैं मास्टर हूँ, कोई कहेगा कि मैं क्लर्क हूँ, कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहेगा चपरासी हूँ, कोई कहेगा मैं पंजाबी हूँ, कोई कहेगा मैं मद्रासी हूँ, कोई कहेगा बंगाली हूँ, कोई कहेगा साहू हूँ, कोई आदमी कौन कहेगा? आप लोग कहेंगे क्या? बिरले है जो ये कहेगा कि मैं आदमी हूं। और आदमी सच, बाकी सब झूठ। इतना समझ लो, जिसको देखते ही पहचाना जा सके, जिसके लिए पूछना ना पड़े, वो सच होता है, और जिसके लिए पूछना होता है वो झूठ होता है। किसी को देकर पूछना पड़ेगा, भैया तुम आदमी हो कि क्या हो? तो देख ही रहे हो, जैसे मैं वैसे वो, पूछना नहीं पड़ेगा। लेकिन जाति पूछनी पड़ती है, क्या करते हो पूछना पड़ता है। और जो पूछना पड़ता है उसी को हमने पकड़ करके बड़ा मान लिया, और जिसके लिए पूछना ना पड़े उसको हमने भुला दिया। इसीलिए समाज में विकृति है, इसीलिए विषमता है, इसलिए भेदभाव है, और इसीलिए धर्म के नाम पर मारा मारी है। सहज बने, अपने को कुछ माने ना, बस मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य बन करके जीना है
और दूसरों के साथ मनुष्यता का व्यवहार करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जितने धर्म माने गए हैं सब मत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, परंपरा है, अपने अपने ढंग से लोग उपासना करने के लिए माना गया है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म मनुष्य बनना और दूसरों के साथ मनुष्यता का व्यवहार करना, ये धर्म आ जाए तो दुनिया आज स्वर्ग बन सकती है। तो बात ने कहा सहज, स्वाभाविक, नेचुरल, जिसमें कोई बनावट, कोई पकड़, कोई आरोपण ना हो। दूसरी बात आप कहते हैं सहज समाधि। सहज समाधि, समाधि किसे कहते हैं? समाधि का एक अर्थ होता है ध्यान, जिसे हम मेडिटेशन भी कहते हैं, लेकिन यहां बात है सहज समाधि। समाधि को आप बहुत गंभीरता से न लें और ये न सोचें कि समाधि तो केवल साधुओं के लिए है, विरक्तों के लिए है, हम तो गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वालों हैं वाले हैं, हमारे लिए समाधि की क्या जरूरत। समाधि की जरूरत हर उस आदमी के लिए है जो मानसिक शांति चाहता है। मन का जो रोग है, मन का जो तनाव, मन की पीड़ा से जो बचना चाहता है, उसके लिए समाधि की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में हर व्यक्ति मानसिक पीड़ा से बचना चाहता है, तनाव से बचना चाहता है। समाधि को देहाती ढंग से समझ लें कि समाधि किसे कहते हैं, समाधि है क्या। समाधि में दो पद हैं, दो शब्द, दो शब्दों को मिलकर के समाधि शब्द बना है, सम और आधि। दोनों जोड़ देते हैं तो हो जाता है समाधि। सम कहते हैं बराबर को, समन हो जाने को, मिल जाने को, समाप्त हो जाने को, और आधि कहते हैं मन की पीड़ा को, मन के क्लेश को, वह अवस्था जहां पहुंचने पर हमारी सारी मानसिक पीड़ा का अंत हो जाए, उसे कहा जाता है समाधि। तो समाधि कोई अजूबी चीज नहीं है, समाधि कोई मात्र साधुओं के लिए नहीं है, हर मनुष्य के लिए आवश्यक है जो मानसिक पीड़ा से बचना चाहता है। मन की पीड़ा बाहरी किसी चीज से मिटेगी नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, अंत में आपको इस समाधि और ध्यान का सहारा लेना ही होगा। यहां साहब ने सहज समाधि कही है, अन्यथा उन्होंने सहज ध्यान कहा है, और दोनों का अर्थ एक ही होता है। हर व्यक्ति को, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा या एक घंटा ध्यान और समाधि का अभ्यास करना चाहिए। पहले आप झूठी समाधि का अभ्यास करो, जिसे असहज समाधि कहते हैं, चाहे सांस देख करके मन को रोको, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। समाधि का, ध्यान का पहला अर्थ है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन की चंचलता नरक का कारण, और मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता, ये स्वर्ग का कारण। मन आपका चंचल है तो नरक बना हुआ है, मन शांत है तो स्वर्ग बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें अपने मन को कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए कोई साधन लेना पड़ेगा, चाहे सांस देखो, चाहे ज्योति देखो, चाहे नाद सुनो,
चाहे बिंदु देखो, चाहे गुरु के चित्र को मन में लेकर के वहाँ मर रोको, चाहे कोई जो भगवान माने गए हैं जिनका चित्र आपने देखा है, आपका इष्ट है, उसमें मन को रोको। ये मन रोकने के साधन हैं, इसे समाधि की शुरुआत है। समाधि नहीं है, समाधि की शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। पहले चंचल मन को, बिखरे हुए मन को एक बिंदु में एकाग्र करना पड़ेगा। हमारी शक्ति बिखरी हुई है, थोड़े थोड़े हमारा मन क्या से क्या सोचता है, कहाँ से कहाँ भाग जाता है। और चंचल मन से कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता। मन की एकाग्रता, चाहे आप अच्छा से अच्छा लेख लिखना चाहते हैं, चाहे अच्छी कविता लिखना चाहते हैं, चाहे कोई किसी किताब को पढ़ करके उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, कोई भी हो, कोई बड़ा काम करना चाहते हो, तो आपको मन एकाग्र करना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा। किताब पढ़ रहे हो और दिमाग घूम रहा है, पढ़ते जाओ एक घंटा, पता नहीं चल पाएगा कि मैं क्या पढ़ा। आप मात्र 15 मिनट मन को एकाग्र करके किताब पढ़ें तो एक आदमी जो 2 घंटा पढ़ता है उससे ज़्यादा आपको ज्ञान मिल जाएगा। मन को एकाग्र करके कोई काम करें, काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, थकान नहीं महसूस होगी। ये जरूरी है, जो क्योंकि हमारा मन जब एकाग्र हो जाता है तो हमारी शक्ति केंद्रित हो जाती है। और शक्ति बिखरी हुई है चंचल मन में तो हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाते। अनेक बार उदाहरण दिया जाता है, अभी तो आज तो बदली है, सूरज दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन प्रकाश पूरा नहीं है। बैसाख और जेठ के महीने में दोपहर के समय सूरज की गर्मी कितनी परेशान करती है, बाहर निकलने का मन नहीं होता है, एकदम झुलसा देती है। लेकिन कभी आपने कहीं सुना नहीं होगा कि जेठ में इतनी गर्मी पड़ी कि सूरज की किरणों से आग लग गई। चाहे कितनी गर्मी पड़े, सूरज की किरणों से आग नहीं लगती, क्योंकि किरणें बिखरी हुई है, फैली हुई है। लेकिन आप ठंडी के दिन में भी, जब सूरज किरणें प्रकाशमंद हो, उस ठंडी दिन में भी सूरज उसी किरण को मैग्नीफाइंग शीशा के द्वारा एक बिंदु पर केंद्रित कर दें, थोड़ी देर में आग लग जाएगी। किरणें बिखरी हुई थी, आग नहीं लगेगी। जब हम मैग्नीफाइंग शीशा द्वारा उसको केंद्रित करते हैं एक बिंदु पर तो आग लगती है। ऐसे ही हमारे मन की जो शक्ति है बिखरी हुई है, इसीलिए हम किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर पाते हैं। काम तो करते हैं, जी रहे हैं, सफलता नहीं मिलती है। सफलता चाहिए तो पूरी की पूरी शक्ति उसी एक बिंदु पर लगा दें, एक काम में लगा दें। तो पहले आवश्यकता है मन को एकाग्र करने की। और जब मन एकाग्र हो जाए तो धीरे धीरे जो आप सोच रहे हैं मन में, जो विचार उठ रहे हैं मन में, जो चित्र देख रहे हैं, सांस देख रहे हैं, नाद सुन रहे हैं, बिंदु देख रहे हैं, उसको भी छोड़ते जाएं और अपने विचारों को देखने का काम करें। विचारों को दृष्टा, विटनेस आपको बनना पड़ेगा, शियर बन करके देखना पड़ेगा, गवाह, जैसे साक्षी होता है वैसे साक्षी बनना पड़ेगा। और धीरे धीरे वो अभ्यास भी पूरा हो जाएगा ना, तब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जब मन में कोई विचार, जो यहाँ जो साहब ने कहा है सहज समाधि, उस सहज समाधि का अर्थ होता है एब्सेंस ऑफ थॉट्स, थॉटलेस माइंड नहीं, एब्सेंस ऑफ थॉट्स, विचारों की अनुपस्थिति, कोई विचार मन में नहीं है, निर्विचार मन, संकल्प रहित मन, वो सहज समाधि है। वहां पहुंचने पर आत्मा साक्षात्कार होता है, कह सकते हैं आप, उसी को आप ब्रह्म साक्षात्कार कह सकते हो, उसी को आप अपनी असंगता का, अपनी ओरिजिनलिटी का साक्षात्कार कह सकते हो।
इसलिए साहब कहते हैं संतों सहज समाधि भले। इस पर बहुत व्याख्या नहीं करूंगा, आगे चलता हूं। गुरु प्रताप भई जा दिन से सुरति न अंत चली। गुरु की कृपा से, गुरु के उपदेश से जब से मन इस सहज समाधि में प्रवेश किया तो अब मनोवृत्ति बाहर नहीं भटकती है। देखें ये कहां कहां भटक रहा है आपका मन। जितना भटकेगा मन उतना दुख, उतनी चिंता, उतना भय, उतनी असफलता। जहां है वहीं पर संकल्प पूर्वक आगे बढ़ते चले जाए। आगे साहब कहते हैं जह जह डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूं तो पूजा, जब सो तो करो दंडवत भाव मिटाऊं दूजा। एक होती है हमारे मन की दशा अभ्यास काल की, और एक होती है मन की दशा व्यवहार काल की। व्यवहार हमारे सामने है, ध्यान में आप कितना समय बैठोगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ज़्यादा बैठोगे 4-5 घंटा, लेकिन अंत में तो खाना पीना पड़ेगा, काम धाम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, तब क्या करेंगे? वो बाहर जो ध्यान कर रहे थे बैठ करके, आप उस ध्यान को आपको व्यवहार में लाना पड़ेगा। अब व्यवहार में लाने के लिए क्या करना होगा? ये अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को इतना पवित्र बना लेना है, उतना उदात्त बना लेना है। साहब कहते हैं जो कुछ करो तो पूजा, जो करो पूजा बन जाए। मंदिर में आप जाते हैं पूजा करने के लिए, अच्छी बात है जाएं, लेकिन पूजा को केवल मंदिर तक सीमित न रखें। उस पूजा को जीवन के सारे कार्यों में, सारे व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। और कब होगा? जब हम किसी काम को पवित्र भावना से प्रेम पूर्वक करेंगे, तब जीवन का हर कर्म पूजा है। झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, भोजन बनाना, खेत में काम करना, मजदूरी करना, दफ्तर में काम करना, कारखाना में काम करना, सड़क की या नाली की सफाई करना, हर काम पूजा है। कभी भी ये मत समझो कि अमुक काम छोटा है। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, भावना हमारी छोटी बड़ी होती है। जिन्हें आप छोटा काम समझते हैं उन्हें करने वाला भी आप जैसा आदमी ही है। आप उनको हीन भावना से देखते हैं, ये आपकी गलत दृष्टि है, गलत भावना है, गलत अहंकार है। काम कोई छोटा नहीं होता। दुनिया के कितने बड़े बड़े पुरुष, जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, उनमें कितने ऐसे हैं, ऐसे ऐसे काम किए हैं जिन कामों को करने में हमें और आपको लज्जा का अनुभव होता है। यहाँ बैठे हुए लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग कबीर साहब के अनुयायी हैं, कबीरपंथी हैं, कबीर साहब को अपना परम इष्ट मानते हैं, और वो कबीर साहब कपड़ा बुनने का काम किए। जुल्हा के घर पाले पोसे गए, जुल्हा बेटा भी हो सकता है, ना बेटा हो तो जुल्हा घर तो पाले पोसे हैं ना, तो जुल्हा बेटा क्या करेगा, कपड़ा तो बुनेगा। और आज कबीर पंथों का तो कपड़ा बुनने के लिए नहीं, छोटा काम हम नहीं करेंगे। क्या कबीर साहब छोटे हैं? कबीर साहब के साथी संत रविदास जूता बनाने का काम करते थे, उनके दूसरे साथी संत सेना बाल बनाने का काम करते थे। क्या छोटे हैं? कितने बड़े हैं, कितने महान है ये सब। हजरत मोहम्मद, आज दुनिया में मुसलमानों के कितने देश हैं जहां केवल मुसलमान मुसलमान हैं, उनके महापुरुष हजरत मोहम्मद ऊंट और बकरी चराने का काम करते रहे हैं। पूरी दुनिया में जितने ईसाई छाए हुए हैं,
उनके महापुरुष संत ईसा बढ़ई का काम करते, बढ़ई के बेटे थे तो बढ़ई का काम करेंगे। और हिंदू लोग जिनको मानते हैं 16 कलाओं से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार, वो कृष्ण गाय चराने का काम करते थे। क्या आप उन्हें छोटा मानोगे? उनके जैसा बनकर तो देखो। तो कोई काम छोटा नहीं होता है, किसी काम करने में लज्जा मत करो। हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जो सचमुच छोटे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उन छोटे कामों को लोग बड़े प्रेम से करते हैं। जो सेवा का काम है, जिससे दूसरों की सेवा होती है, समाज का विकास होता है, हमारा भी विकास होता है, उन कामों को लोग मानते हैं ये छोटे काम है, ये काम नहीं करना है। जिससे जीवन बिगड़ता है, परिवार बिगड़ता है, शराब समाज बिगड़ता है, देश का नुकसान होता है, वो काम बड़े प्रेम से करते हैं। ऐसे छोटे काम कौन है? घूस लेना छोटा काम बहुत लोग कर रहे हैं ना बड़े प्रेम से, यहां भी बैठे होंगे कुछ लोग। चोरी करना छोटा काम, किसी को धोखा देना छोटा काम, पराई बहु बेटियों पर कुदृष्टि करना छोटा काम, लड़कियों से छेड़खानी करना छोटा काम, लड़ाई झगड़ा करना छोटा काम, और शराब पी करके मत सड़क पर बीच में पड़े रहना, ये छोटा काम है। ऐसे छोटे कामों को लोग बड़े प्रेम से कर रहे हैं। बात शराब की याद आ गई। यदि आप किसी गुरु के अनुयायी हैं, किसी गुरु के हैं, किसी मत पंथ के हैं, किसी भगवान को मानने वाले हैं, तो यदि आप अपने गुरु के सच्चे भगत हैं, सच्चे शिष्य हैं, किसी भगवान की आप सही ढंग से पूजा करते हो, किसी भगवान के सच्चे भगत हो, चाहे हनुमान हो, चाहे राम हो, चाहे शिव हो, चाहे महादेव हो, चाहे दुर्गा हो, या कोई हो, किसी भगवान के लिए आपकी निष्ठा है, तो उसकी कसौटी यह है, जितने भी दुर्व्यसन है, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग शराब कर, आप उनका त्याग कर देना। और यदि आप बीड़ी पीते हो, तंबाकू खाते हो, गुटखा खाते हो, शराब पीते हो, अन्य दुर्व्यसन करते हो, तो आपकी भक्ति बिल्कुल झूठी है, ये भक्ति आपको नरक में डुबाएगी। कोई भगवान आपका बेड़ा पार नहीं करेगा यदि आप दुर्व्यसनों का सेवन कर रहे हैं। तो इतना भी नहीं छोड़ सकते कि जब आप बीड़ी भी नहीं छोड़ सकते, गांजा भी नहीं छोड़ सकते, गुटखा नहीं छोड़ सकते, तंबाकू खाना नहीं छोड़ सकते, शराब पीना नहीं छोड़ सकते, तो और कौन सी भक्ति करोगे? ये सोच लो कि आप कबीर के भगत हो या बीड़ी के भगत हो, ये सोचो कि एक दिन आपको राम की याद ना आए तो पीड़ा होती है, या एक दिन आपको बीड़ी की याद नहीं आती तो पीड़ा होती है। किसके बिना रह सकते हो? मंदिर गए बिना रह सकते हो या बीड़ी पिए बिना रह सकते हो? मंदिर गए बिना तो कहता है मंदिर तो साहब साल भर जाए तो चलेगा, बीड़ी बिना तो एक दिन एक घंटा चलना बड़ा मुश्किल। तो बीड़ी की भक्ति बहुत चल रही है, तंबाकू की भक्ति, गुटखा की भक्ति और शराब की भक्ति को तो कहना है क्या। एक बोतल पी लिए मस्त चले गए स्वर्ग में, गलत। ये छोटे काम है भाई, इन छोटे कामों को मत करो कभी भी। लेकिन दुर्भाग्य से बड़े प्रेम से लोग करते हैं, बड़े प्रेम के साथ चौराहे पर खड़ा होकर के मुंह से धुआं निकाल रहा है, लगता है कि भिलाई की ठीठ प्राण भट्टी उनको पेट में जल रही है। तो इनसे बचो आप। ये तो पोटियाडी गांव है, ये शुरुआत में कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम है। जब हम इधर धनतेरस आते हैं तो शुरुआत में ही है एक कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम है, जब इधर से निकलते हैं तो आखिर में एक और कबीर आश्रम है, दो कबीर आश्रम हैं। और यहाँ भी बहुत आराम से, बहुत प्यार से लोग शराब पी रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, अंडा मांस मछली भी सब खा रहे हैं। थोड़ी तो लज्जा तो करो, थोड़ी सी मर्यादा तो रखो। कितने मंदिर हैं, कितने भगवान हैं इस गांव में,
गायत्री का भी मंदिर बना है बगल में, और गायत्री वाला तो प्रचार कर रहे हैं बराबर कि दुर्व्यसन छोड़ो दुर्व्यसन छोड़ो, भगवती मंडल बना है वो भी प्रचार कर रहे हैं बराबर, लेकिन सब बेचारे हारते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप बड़े होशियार लोग हैं, बड़े भगत लोग हैं ना। ये केवल ये इसी गांव की बात नहीं है, हर जगह यह है। शुरुआत तो करो आप, ये समय शादी विवाह का सीजन है, बहुत शादियां चल रही होगी, आगे भी महीना आएगा शादी विवाह का सीजन होगा। मेरा आपसे निवेदन है आप चाहे अपनी बेटी का चाहे अपने बेटे का किसी की शादी कर रहे हों और निमंत्रण पत्र छपा रहे हों, आज तो बात बात निमंत्रण पत्र छपता है, कार्ड छपता है, शादी का कार्ड जैसा आप छपाना चाहते हो बढ़िया से बढ़िया जो मेटा लिखना चाहते हैं तो लिखो उसमें, वो आप क्या लिखोगे आपकी मर्जी। लेकिन यदि आप सचमुच में धार्मिक हैं, सचमुच में भगत हैं, तो मेरा आपसे निवेदन एक है कि शादी के कार्ड में ऊपर में एक वाक्य जरूर लिखाए, कृपया शराब पीकर बारात में ना आए, एक वाक्य लिखना जरूर शुरू करो। है हिम्मत किसी में? शादी कार्ड में जरूर लिखवा दें कि चाहे लड़की पहुंचाओ लड़का पहुंचाओ कृपया शराब पी करके बारात में ना आए। शुरुआत तो करो भला, धीरे धीरे तो आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में जगह जगह गांव गांव के जगह जगह गांव गांव में रामायण की प्रतियोगिता होती है। पहली बात तो यह है रामायण प्रतियोगिता की चीज़ नहीं है, अब प्रतियोगिता में हार जीत की भावना, किसका हारमोनियम बढ़िया बज रहा है, किसका तबला बढ़िया बज रहा है, कौन मंजीरा बढ़िया बजा रहा है, कौन कौन टीका बढ़िया कर रहा है, क्या कह रहा है गोस्वामी जी मतलब नहीं है, कौन बढ़िया बजा रहा है, कौन जो जितना बढ़िया फिल्मी तर्ज में गा सके वो गायक बढ़िया उसको इनाम उसको मिलेगा ना। कुछ दिन पर रामना प्रतियोगिता में ना डांस भी शुरू हो जाएगा, याद रखना, और मजा आ जाएगा। रामायण प्रतियोगिता होती है केवल इसी छत्तीसगढ़ में ज्यादा होती है, और जगह नहीं होती इतनी कहीं प्रतियोगिता, वहां पाठ होता है, अखंड पाठ होता है। अच्छा चलो करो, सब लोग आएंगे, हमारे हम राम के भगत हैं, हम राम के भगत, हम राम के भगत हैं। और जो पार्टी आती है ना एक एक पोता चढ़ा करके आती है, और ये रामायण प्रतियोगिता करने वाले भी लोग भी शराब की व्यवस्था किए रहते हैं पिलाने के लिए, कौन भक्ति है राम की, शराब की भक्ति की? ये शुरू करो भाई, कौन ज्यादा शराब पीने वाला है ये शुरू कर दो, लिखो फिर प्रतियोगिता में रामायण के साथ साथ रामायण एवं शराब प्रतियोगिता लिखो। कितने डूब गए हैं लोग, कितने डूब गए हैं, जरा भी लज्जा नहीं, जरा भी शर्म नहीं है, कहते हम भगवान के भगत हैं, राम के गुणगान गा रहे हैं, राम के गुणगान गा रहे हो, शराब की बिक्री बढ़ा रहे हो। लेकिन यह बात नहीं है, समस्या ये की है, समस्या क्या है, शराब न पिएंगे भट्टी बंद हो जाएगी तो मजदूर जो मजदूर हैं बेरोजगार हो जाएंगे ना, इसलिए पीना पड़ रहा है लोगों को। बीड़ी पीना छोड़ दें तो बीड़ी फेटे में जितने मजदूर काम कर रहे हैं सबको बेचारे बेरोजगार होंगे, बाल बच्चे मर जाएंगे, उनको बाल बच्चे जलाने के लिए बीड़ी पी रहे हो ना आप लोग, उनके बाल बच्चे जी जाएंगे, आप कम से कम सुधरो। तो मैं ये कह रहा था कि छोटे काम होते हैं, चोरी करना, जुआ खेलना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, लड़कियों के साथ छेड़खानी करना, पराबो बेटे पर कुदृष्टि करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, और अपनी पत्नी को पीटना, वो राक्षस होगा। ये काम तो बहुत प्रेम से करते हो, मैं कहा करता हूं, बातें आगे याद आ गई। पति बड़ा होता है पत्नी छोटी होती है, ये धारणा अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। पति भगवान पत्नी दासी, ये दिमाग, ये बात दिमाग में होगी बिल्कुल निकाल दो। कोई भगवान नहीं है, कोई दासी नहीं है, दोनों बराबर, पति और पत्नी मित्र हैं, दोनों जीवन यात्रा के सहयोगी हैं, जीवन यात्रा के साथी हैं।
दोनों दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ सुंदर मिल करके व्यवहार करो। कहा यह जाता है पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, और पति का धर्म है पत्नी को डंडा से पीटना, यही है ना। यदि पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना तो पति का धर्म है पत्नी की सेवा करना। पति बीमार पड़ गया, पत्नी का धर्म है बीमार पति की सेवा करना, उसके लिए भोजन बनाना, भोजन बनाती ही, कपड़ा धोना, सब कुछ करना। लेकिन आपके घर में और कोई नहीं है, आपकी पत्नी बीमार पड़ गई, तो आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है अपनी पत्नी की सेवा करना, उसके लिए भोजन बनाना, उसके जूठा बर्तन मानना, उसको अन्ना और पैर भी दबाना। पत्नी के पैर दबाने में कोई पाप नहीं पड़ेगा, नहीं दबाओगे तो पाप पड़ेगा। जब पत्नी आपके पैर दबा सकती है तो आप क्यों नहीं दबा सकते भाई। यदि ये हिम्मत नहीं है कि पत्नी बीमार पड़ी तो पत्नी के कपड़े धोने की हिम्मत नहीं है, उसकी सेवा करना, पैर दबाने की हिम्मत नहीं, तो शादी मत करना। दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर के हकदार हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तब गृहस्थी की गाड़ी बढ़िया चलेगी, तब आपकी संतान जो आएगी वो संतान सुंदर होगी, संस्कारित तो होगी। और जहां लड़ाई है झगड़ा है वहां पर सोच लो कैसे होने वाला है। तो मैं ये कह रहा था, साहब कहते हैं जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सो तो करो दंडवाद भाव मिटावो दूजा। किसी भी काम को इतने प्रेम से करो, प्यार से समर्पित होकर करो कि आपका हर काम पूजा बन जाए। और जब तक कोई भी काम पूजा नहीं बनेगा तब तक कल्याण मार्ग में आगे आप नहीं बढ़ सकते, आप सुखी जीवन नहीं जी सकते हो, सच्चा सुख आपको मिलेगा नहीं। साहब तो कहते हैं इतनी भावना इतनी पवित्र रखो कि आपका आना जाना चलना फिरना सब परिक्रमा, आपके मन में सबके लिए प्यार है, और आपकी भावना आपके विचार आपका चिंतन पवित्र है, तो यदि खेत जा रहे हो तो मानो परिक्रमा कर रहे हो, मजदूरी करने जा रहे हो परिक्रमा कर रहे हो, कहीं तालाब जा रहे हो नहाने के लिए परिक्रमा कर रहे हो, और भावना पवित्र आपकी है, मन में प्यार है, तो टॉयलेट जा रहे हो तो परिक्रमा कर रहे हो। ये बनाना होगा। और कबीर साहब की यही सीख है, कबीर साहब नहीं अन्य संतों की गुरुजनों की भी यही सीख है। जब तक हमारा मन ऐसा नहीं बनेगा, हमारा हृदय उदार नहीं होगा, तब तक हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, हम धार्मिक विकास नहीं कर सकते हैं। बाकी हमारा सब दिखावा सब दिखावा सब दिखावा हो जाएगा, सब दिखावा हो जाएगा। तो जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो तो पूजा, जब सोओ तो करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा। साहब कहते हैं ऐसा जीवन जीने, मन इतना प्यार हो और भावना इतनी सुंदर हो कि हर काम पूजा बनना चाहिए। आपका ध्यान, आपकी भक्ति, आपकी साधना व्यवहार काल में उतरना चाहिए, घर में, खेत में, खलिहान में, दफ्तर में, कारखाने में उतरना चाहिए। प्रेम से करोगे, मन लगा कर करोगे, तो धान काटना भी आपका ध्यान बनेगा, खेत में काम करना ध्यान बनेगा, दुकान में सौदा बेचना भी ध्यान बनेगा। और मन गंदा है तब वो ध्यान ध्यान नहीं बनेगा। आगे सदगुरु कबीर कहते हैं आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसे हंसे पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान को देखने के लिए, देवी देवता परमात्मा को देखने के लिए मुझे आंख नाक कान बंद करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं बाहर जंगल में, पहाड़ की गुफा में या अन्य
जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। साहब कहते हैं भगवान तो मुझे हर जगह दिया, खुले नयन खुले नेत्रों से मैं जहां देखता हूं वहां मुझे भगवान दिखाई पड़ रहा है। देखो इधर भगवती बैठी हुई है, इस तरफ भगवान बैठे हुए हैं, इधर देवियां बैठी है, इधर देवता बैठा हुआ है। जिन लोगों को मनुष्यों में और प्राणियों में भगवान दिखाई नहीं पड़ता उन्हें कभी भगवान मिल नहीं सकता है। दुर्भाग्य हम मूर्ति में भगवान देखते हैं, कागचित्र में भगवान देखते हैं, पेड़ पहाड़ में भगवान देखते हैं, आदमी भगवान नहीं देखते। चित्र है, मूर्ति है किसी महापुरुष के, तो उसको देखने से उस महापुरुष की याद आती है, उस महापुरुष के त्याग तप उज्जवल आदर्श साधना उनके ज्ञान विवेक विचार इनकी याद आती है, अच्छी प्रेरणा मिलती है। और अपने जीवन को ऐसा बनाने के लिए मन में एक विचार उड़ता है, लेकिन चित्र में भगवान नहीं है, मूर्ति में भगवान नहीं है, पेड़ पहाड़ में भगवान नहीं है, भगवान है तो इन प्राणियों में है। कबीर साहब तो इसलिए कहते हैं कबीर जेती आत्मा तेते शालिग्राम, जितने आत्माएं जितने प्राणी हैं सब शालिग्राम भगवान हैं, अलग कहाँ खोज रहे हो, समझना होगा। किसी सूफी संत ने बहुत बढ़िया बात कही है, इस्लाम परंपरा में यह माना जाता है कि एक अल्लाह, अल्लाह के अलावा और कुछ नहीं है, कोई दूसरा पूज्य ही नहीं है, उनका कलमा ही है ला इलाह इल्लल्लाह, नहीं है कोई अल्लाह के समान पूज्य। ये रोज वो पाठ करते हैं सबसे बड़ा अल्लाह। लेकिन उसी इस्लामी परंपरा में सूफी संत निकले, किसी सूफी संत ने कहा है मखलूक ही मजहरे खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। इसका अर्थ है दुनिया में प्राणी ही प्रत्यक्ष परमात्मा है और इंसान प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इंसान सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। कहां भटक रहे हैं आप, भटकने की आवश्यकता नहीं है। सगुण परमात्मा और निर्गुण परमात्मा, साकार परमात्मा और निराकार परमात्मा, सगुण परमात्मा ये देखो बैठे हैं सामने, साकार प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। इनको देखने के लिए क्या आंख कान बंद करना पड़ेगा, कहीं जंगल जाने में जाना पड़ेगा, प्रत्यक्ष बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनके साथ सुंदर व्यवहार, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, सास ससुर हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमसे उम्र में पद में मर्यादा में त्याग में तप में ज्ञान में भक्ति में बड़े हैं, उनके प्रति आदर सम्मान, उनकी सेवा, उनकी उचित आज्ञाओं का पालन, ये उनकी भक्ति हो गई। रिश्ते में बराबर हैं, पति पत्नी हैं, भाई भाई हैं, ननद भावज हैं, देवरान जेठान हैं, मित्र मित्र हैं, आपस में प्रेम समता एकता सहयोग की भावना, उनकी पूजा हो गई। छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्नेह करुणा वात्सल्य का व्यवहार, उनका लालन पालन, उचित शिक्षा उचित संस्कार देना, ये उनकी पूजा हो गई। जब तक ये पूजा नहीं आएगी तब तक कोई पूजा काम करने वाली नहीं है। तो कबीर साहब का सगुण परमात्मा साकार परमात्मा ये प्राणी, और प्राणी में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ, खोजना नहीं है भटकना नहीं समझना है। और मनुष्यों में भी जो निर्मल जीवन के संत गुरुजन हैं कहीं के भी हों, जो सदाचारी हैं पवित्र आत्मा हैं, वह और प्रत्यक्ष भगवान। निर्गुण परमात्मा निराकार परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है चेतन आत्मा, उसका कोई रूप रंग नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है। तो बाहर सगुण परमात्मा ये प्राणी, इनकी सेवा सुंदर व्यवहार आदर सम्मान,
अंदर जो निर्गुण परमात्मा है आत्मा, उसका ज्ञान, और मन को बाहर से लौटा करके उसमें लीन करना, ये भगवान की भक्ति है। कबीर साहब कहते हैं, आँख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसत पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान को देखने के लिए, परमात्मा देखने के लिए आँख नाक कान बंद करने की या कहीं किसी तीर्थ में नदी में जाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ देखो वहीं परमात्मा है। खुले नेत्रों से सबके साथ सुंदर व्यवहार, दया क्षमा का व्यवहार, आदर सम्मान, ये पूजा होगी। शब्द निरंतर मनवा राता मलिन वासना त्यागी, अभ्यास करते करते, प्रयत्न करते करते, मन को मांझते मांझते, अब मन की ऐसी दशा हो गई कि शब्द निरंतर मनवा राता, मन निरंतर अब ज्ञान के, विवेक के, कल्याण के शब्दों में लीन हो गया है, डूब गया है। अब मन में कोई गंदी भावना उड़ती ही नहीं है, जो भावना है पवित्र भावना है, जो याद है पवित्र भाव है, क्योंकि मन विवेक विचार शब्दों में लगा हुआ है। कसौटी है मलिन वासना त्यागी, मन की जो मलिन वासनाएं हैं, कुविचार है, कुसंकल्प, कुचिंतन, गलत स्मरण, इनका त्याग कर देना ही मन का ज्ञान के शब्दों में लीन हो जाना है। देखें हमारे मन को, अपने मन को, कि मेरा मन क्या सोच रहा है। बैठे हैं स्वच्छ जगह पर, ऊंचे आसन पर बैठे हैं, पवित्र स्थल पर बैठे हैं, और मन कहाँ बैठा हुआ है, मन कहाँ घूम रहा है, वो देखना पड़ेगा। मन की जो भावना है, परिणाम उसी का मिलेगा। तो निरंतर मन पर निगरानी, वो है मलिन वासना त्यागी। मलिन जो वासना है, मलिन चिंतन, कुचिंतन, कुविचार, किसी के लिए भी गलत भावना, उसका त्याग कर देना ही ज्ञान के शब्दों में मन का लीन हो जाना है। उठत बैठत कबून छूटे, ऐसी तारी लागे, साहब तो साहब कहते हैं अब तो ऐसी समाधि लग गई, उड़ते बैठते खाते पीते कभी छूटती ही नहीं है। तो समाधि कौन समाधि है, वो ध्यान तो बैठ करके किया जाता है ना, ध्यान या समाधि बैठ करके करने का है। और यहाँ साहब कहते हैं मुझे तो ऐसी समाधि लग गई कि उड़ते बैठते खाते पीते काम धंधा करते कभी वो समाधि छूटती ही नहीं है। वो समाधि क्या है, निरंतर मन की निरख परख करते रहना, कहीं भी हो। इसको गुरुदेव जी कहा करते थे कबीर साहब की सहज साधना, एक होती है सहज समाधि और एक होती है सहज साधना। सहज समाधि बैठ करके करने के, एक जगह अकेले में करने के, एकांत शांत में करने के, और सहज साधना कहीं भी हो सकती, किसी समय हो सकती है। शौचालय में बैठे हो, देखो मन को कि क्या सोच रहा है। मन शरीर से गंदगी का त्याग हो रहा है, मन से भी गंदगी का त्याग कर दो। शौचालय में बैठे बैठना समाधि लगने का काम हो रहा है, ध्यान का काम हो रहा है। कोई काम कर रहे हो, देखो मन को क्या सोच रहा है, गलत बात आए मन को निकाल दो, समाधि का काम हो रहा है। ये हर समय हो सकता है, ये सहज साधना है। इसी का परिणाम होगा मन का निर्मलीकरण करना, ऐसा नहीं हो पाएगा। कहत कबीर सहज यह रहने, सो प्रगट करी गाई, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। कबीर साहब कहते हैं ऊपर जो बातें मैंने कही है, ये जीवन की एक सहज रहनी है, जीवन के सहज व्यवहार, जीवन को कैसे जीना चाहिए, इसको मैंने सहज रूप से, सहज सरलता से प्रस्तुत कर दिया है। हर काम को पूजा समझ करके करना है, लोगों के साथ आदर का, सम्मान का, दया का, क्षमा का, करुणा का, प्रेम का व्यवहार करना है, अपने को कुछ ना मान करके समान मनुष्य मानना है, क्योंकि मनुष्यता में कोई भेदभाव नहीं है, मनुष्यता में ऊंच नीच की भावना नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है,
सांप्रदायिक भावना नहीं है। हमें मनुष्य दूसरे मनुष्य तो मनुष्य मान करके जीना है, आदर सम्मान का व्यवहार करना है, सेवा का व्यवहार करना है, और मन को देख देख करके उसी गंदगी को निकालते रहना है। साहब कहते हैं ये जीवन की सहज रहनी है, और ये मन मानव मात्र के लिए आवश्यक है, ये कोई पंथ की बात नहीं है। हमारा जो मन है ये किस पंथ की बात है? दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, समता, शील, विवेक, विचार, ये किस पंथ की बात है? और मन के जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये किस पंथ की बात है? ये तो मानव मात्र के लिए है। मानव मात्र के लिए दुख का कारण उसके मन की गंदगी, और सुख का कारण मन की निर्मलता। ये संप्रदाय की बात नहीं है। और मनुष्य केवल मनुष्य है, कहीं का भी हो, ये भाव आप कहते हैं इस भाव में मन को रखना, ऐसा व्यवहार करना, ये जीवन की सहज रहनी है। सुख दुख से एक परे परम पश्व पद है सुखदाई, दुनिया का सुख, दुनिया का दुख, इन दोनों से अलग हट करके एक ऐसा पद है, एक ऐसी दशा है जहां केवल सुख ही सुख है, वहां दुख नहीं है। दुनिया का सुख आता है जाता है, मिलता है बिछुड़ता है, और अंत में दुनिया का सुख दुख में बदल जाता है। ऐसा कोई सुख नहीं दुनिया का जिसका परिणाम अंत दुख ना हो, वो तो आता और जाता रहता है। निर्वाह ले लें, मन की इच्छाओं के पीछे, इंद्रियों के पीछे दौड़े मत। सच्चा सुख अपने आप का है। सुख दो प्रकार के होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सुख जो बाहर से मिले, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, मिलने में, बिछुड़ने में, या कोई पैसा में, पद में, प्रतिष्ठा में, जो कुछ बाहर से मिलता है सब ऑब्जेक्टिव है और सब छूटने वाले हैं, स्थिर रहने वाला नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिव जो हमारा ही है, हमारे मन की निर्मलता, हमारे मन की पवित्रता, हमारे मन की शांत, इसमें मिलना बिछुड़ना कुछ नहीं है, किसी की आवश्यकता भी नहीं है। जिसमें किसी की आवश्यकता पड़ जाए वह सुख दुख का कारण बनेगा, वह क्षणिक होगा, और जिसमें किसी की आवश्यकता ना पड़े वह सुख सब्जेक्टिव होगा, अपने आप का होगा, स्थायी होगा। उसी को पाने के लिए, सच्चा सुख पाने के लिए ही ये धर्म का मार्ग है। और साहब कहते वो सदा सुखदायी है, उसका परिणाम दुख में भटकना नहीं है, उसको समझना है। तो सदगुरु कबीर का एक पद मैंने थोड़ी सी व्याख्या की, संतों सहज समाधि भली, सहज बने और मन को बाहर से घुमा घुमा कर अंतर्मुख करें, एक ऐसी दशा में ले जाएं जहां मन में कोई पीड़ा ना रह जाए, कोई क्लेश, कोई तनाव ना रह जाए, वहां आपको अपनी असलियत का, हकीकत का पता चलेगा। और उस भाव में यदि मन टिक गया तो आज ही जीते जी मोक्ष का अनुभव हो सकता है। इसी के लिए सत्संग भक्ति की आवश्यकता होती है। संतों गुरुजनों की भक्ति करते हुए, सत्संग करते हुए, सदाचार के पथ पर चल करके, मन को एकाग्र निर्मल करके, उस जो मोक्ष दशा है, शांत दशा है, परमानंद का दशा है, उसका अनुभव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज अपनी वाणी को समय यहीं पर विराम। जय। अभी आश्रम की ओर से पूज्य गुरुदेव जी और संतों की पूजा आरती होगी, उसके पश्चात आप लोगों में से जिनकी इच्छा होगी गुरुदेव जी और संतों की भेंट पूजा करने की, उनको सबको मौका मिलेगा, और आप सब जल्दी आरंभ करें। वसत गुरु मुक्ति दाता ते बाल चंदन पुष्प चरणों हार गल महदीजिए कर जोर करूँ मैं स्तुति गुरु तरण तरण दयाल हो क्षमा करो अपराध
सुनिए जो दी नाथ की अधम उधार भाव भयहारन जीवन करत शनाथ की जगत स्वामी हे बन रख गुण को गहि सके दया क्षमादि हो जिन में आपको सो लहि मो में सदगुण नाही साहेब हूँ मैं कैसे आपको बार बार मैं करत हूँ विनती शरण लीजिए दास को शरण शरण मैं शरण हो कत बने कछु नाही जानत हो सब के ही सर्वो परि गुरु माँ करुणा निधि है स्वागत मंगल करण शुभ आइए भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए पंथ नाना जगत में निज गुणों को गा रहे सब का माता पिता कर सार ऐसा करुणा निधि है स्वा गतम मंगल करन सु आइए भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए नानिधि है स्वागतम मंगल करन शुभ आइए भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए स्वागत है कई बार है पंथ नाना जगत में निज निज गुणों को गा रहे सब का बता कर सार Thank you.
स्वरूप कबीर कृपा निधि पूरन परख बिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की सदगुरु अभिलाष साहेब की संत समाज की जय।